शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बस आ गया चलो लेटो। सोचा पार्वती जी लेट जाओ बेटा। पापा जी बस कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, पहले आराम करो, सारी बातें बाद में करेंगे। सोचो अंकिल, मैं 2 मिनट में आता हूं। हाँ जाओ जाके लेके आओ। चलिए माँ। अरे आइए तो, आइए तो। क्या है, हाथ छोड़ो हमारा। लाइए दीजिए। क्या? हाँ वो क्या है ना, मीठा खाने की बहुत क्रेविंग सी हो रही है, तो ऐसा करो कुछ काजू की बर्फी लाके दे दो मुझे। हा? अरे रिपोर्ट लेने गई थी ना, रिपोर्ट लाई कि नहीं लाई? दिखाई नहीं दे रहा, खाली हाथ आई हूँ मैं। अरे मैंने अम्मा जी का पूरा कमरा छान मारा, पर वो डीएनए रिपोर्ट मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। कहीं नहीं मिला मतलब क्या? एक बात समझ में नहीं आ रही, अम्मा इस रिपोर्ट को इतना छुपा क्यों रही है? मतलब रिपोर्ट झूठी है? आप समझे नहीं डैड, डैड रिपोर्ट सच्ची है कि झूठी है मुद्दा नहीं है। फिलहाल हमारे लिए वो रिपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप दोनों ना ये रिपोर्ट को गोली मारिए। मेरे पास उससे भी ज्यादा बेहतरीन खबर है। क्या? वो मैं जब कमरे में थी ना, अचानक करण के आ जाने से मैं वहीं छुप गई, और जैसे ही काव्या कमरे में आते ही वो करण के ऊपर बरस पड़ी, और जिस तरह से वो बरसी है ना, उससे साफ पता चलता है कि काव्या ने करण को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इस बात का शक तो मुझे बहुत पहले से था, अब आप देखना मैं कैसे इस करण और काव्या की लड़ाई को झगड़े में बदल देता हूं। इतनी लंबी दीवार खड़ी करूंगा इन दोनों के बीच कि फिर इन दोनों को अलग करना मेरे लिए चुटकी भर का काम रह जाएगा। बढ़िया, तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ भी करके इन दोनों को अलग रखना होगा, वरना तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मेनका, क्या चल रहा है यहाँ? काव्या ने सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कुछ फेवरेट बनाता हूँ। काव्या का तो सब कुछ फेवरेट है, लेकिन सबसे फेवरेट क्या है? सोच कर, सोच, सोच। माँ के हाथ का खाने के लिए पेट में जगह की जरूरत नहीं होती। पुलाव, माँ के हाथ का पुलाव बन जाएगा। होममेड पुलाव।
अम्मा जी मैं क्या मैं वो मैं बताता हूँ दादी माँ, वो क्या है ना, देखिए इतने दिनों बाद करण भैया घर वापस लौटे हैं और इतनी मुश्किल से इस कुणाल नाम की वाला से हमें छुटकारा मिला है, तो हम तीनों मिलके बस यही सोच रहे थे कि अब कुछ भी करके ना भैया और भाभी के बीच की नजदीकियों को बढ़ाना है अब हमें। यही सोच रहे थे। आप भी कुछ बताइए हम कैसे कर सकते हैं ये। मेनका जी, नीचे कांच के टुकड़े गिरे पड़े हैं, उसे साफ करवा दो। जी अम्मा जी। चलो आते हैं अम्मा जी। बाल बाल बच गए। एग्जैक्टली डैड, तुम्हारे तेवर देखकर ये लग रहा है कि तुम कोई शातिर तरकीब ढूंढ रहे हो। क्यों डैड? बताता हूं, फिलहाल तो बस ये कांच बिखरा है, अब आप देखिए मैं कैसे इस करण काव्या के बीच जो जिंदगी है ना, इसको बिखेर के रख देता हूं। बस यही प्लानिंग चल रही है। आई नो यू कैन डू इट। आई विल। सर, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? एक फेवर करो तो बताता हूँ। हाँ सर। ये काव्या को दिया प्लीज। क्या है सर इसमें? उसका फेवरेट पुलाव। ये आपने बनाया है सर? Thank you.